हेलो फ्रेंड्स, अभी वाराणसी की ज्ञान वापी काफ़ी चर्चा में है, जिसकी वजह से एएसआई भी काफ़ी चर्चा में है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने 839 पन्नों की रिपोर्ट में ज्ञान वापी मस्जिद के मौजूदा ढांचे के निर्माण के पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर होने की बात कही है। कोर्ट में चल रहे इस मामले में हिंदू पक्ष इसे बड़ा सबूत मान रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष इसे नकारते हुए रिपोर्ट का अध्ययन करके कोर्ट में अपना पक्ष रखने की बात कही है। आइए जानते हैं क्या है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस रिपोर्ट को? दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत के संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, सुरक्षा, पुरातात्विक अनुसंधान और अन्वेषण का कार्य करता है। अनुसंधान और अन्वेषण में आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल इसके द्वारा किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से हुई थी। वही इसके पहले महानिदेशक भी थे। वर्तमान में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रोफेसर किशोर के बासा को एएसआई का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्व स्थलों और अवशेषों की रख रखाव के लिए संपूर्ण देश को 37 सर्किलों में बांटा गया है। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को ऐसे आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से सर्वे का काम सौंपा था जिसमें खुदाई या तोड़फोड़ नहीं हो, यानी ढांचे को कोई नुकसान पहुंचाए बिना सर्वे का काम पूरा हो। उसी आदेश के तहत सर्वे का काम पूरा हुआ और वाराणसी जिला कोर्ट को एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।